लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तीसरी बार भाजपा की फिर से सरकार बनने जा रही है और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि दो बार जो सरकार रह जाती है उनकी बहुत सी कमियां जनता के बीच होती हैं, लेकिन भाजपा की ऐसी कोई भी कमियां नहीं है और इसलिए तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं तो जो दो दो बार सरकारें चल लेती हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हमारी सरकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और इसीलिए हमारी सरकार केंद्र में तीसरी बार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव जीत के लिए भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन भाजपा 400 का आंकड़ा नहीं छू पाई और कांग्रेसियों ने इस पर निशाना साधा, जिसके बाद विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह 400 पार कहें या 800 पार कहें, कांग्रेसियों को इससे क्या लेना देना, भाजपा ने चुनाव जीता है और बात जीत और हार की होती है। वह अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, इससे कांग्रेस को क्या लेना। कांग्रेस झूठ फैलाने की राजनीति करती है और भाजपा की सच बताने की राजनीति करती है और उन्होंने जनता को सच बताया है, जिसके बाद जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है। 400 पार कहें या 800 पार कहें, कांग्रेस ने क्या लेना, हम चुनाव जीते हैं, बाजी जीत और हार की होती है। हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, इससे कांग्रेस ने क्या लेना देना। कांग्रेस ने जो झूठ फैलाया, कांग्रेस ने जो झूठी बातें करी, कांग्रेस को वो नहीं नजर आती कि जो वो कह रहे हैं वो क्या क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने झूठ फैलाया। पर उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उनकी झूठ फैलाने की पॉलिटिक्स है, हमारी सच बताने की पॉलिटिक्स है। हमने सच बताया और जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए बहुत खुशी है। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के 19 मंत्रियों को करारी हार मिली है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि जनता की अदालत है और जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता और इस फैसले को मानना चाहिए। ये तो जनता की अदालत है और जनता की अदालत फाइनल अदालत होती है, उसके बाद तो नो इफ एंड बट, जो है वो है, उसको मानना चाहिए। आम आदमी पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में नाम मात्र सीटें मिली, जिसको लेकर विष ने चुटकी लेते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल खत्म हो गई है, इसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि आम आदमी पार्टी को जनता ने पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक दिया है। देखिए, तो बिल्कुल खत्म हो गई है पार्टी और इसका तो अब नाम भी नहीं लेना चाहिए कि आम आदमी नाम की पार्टी पूरी तरह से जनता ने उखाड़ के फेंक दी। हरियाणा के मौजूद मुख्यमंत्री भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायाब सिंह सैनी ने गांव से और उनके बूथ से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, जिसके जवाब में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ी ही शालीनता से जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल उन्होंने आंकड़े देखे नहीं है, कौन कहां से कितने वोटों से हारा और जीता आंकड़े देखने के बाद वह अपनी प्रतिक्रिया देंगे। नहीं, मैंने अभी रिजल्ट नहीं देखा है कि कौन कौन किस किस बूथ से कितना कितना हारा है, अभी मैंने देखा नहीं, देखूंगा तो फिर प्रतिक्रिया करूंगा।